मुंब्रा में कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्ति के रिश्तेदार की हुई मौत। मनपा ने दो इमारतों को सील कर लोगों को किया क्वारंटाइन। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर दादी कॉलोनी में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है और उसे पहले से ही टीबी की बीमारी थी ऐसा बताया जा रहा है, मगर अब उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ठाणे के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वहीं उसके परिवार में दो बच्चे और बीवी का भी ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। और आज अमृत नगर के दादी कॉलोनी में विघ्नहर्ता अपार्टमेंट के ए और बी विंग के दोनों इमारतों को सील कर दिया गया है। आज दोपहर में टीएमसी कमिश्नर विजय सिंघल ने यहां का दौरा किया और इमारत में दवा का छिड़काव भी कराया गया। साथ ही इमारत में रहने वालों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई है, यानी कि दोनों इमारतों में रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और इमारत के आसपास पुलिस की भी तैनाती की गई है। वहीं ऐसे में ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पॉजिटिव पेशेंट से सबसे ज़्यादा करीबी कौन है, किसके साथ इसका उठना बैठना था। मगर इसी बीच एक खबर और सामने आई कि इस कोरोना वायरस के मरीज के एक रिश्तेदार की मौत हो गई है, जिनकी उम्र 57 साल बताई जा रही है। इस व्यक्ति की तबीयत भी दो दिन पहले ख़राब हुई थी, डायबिटीज़ और बीपी और सांस लेने में इन्हें तकलीफ हो रही थी, जिन्हें पहले मुंब्रा के कई डॉक्टरों को दिखाया गया, उसके बाद इन्हें KIIM अस्पताल भेजा गया, मगर आज इनकी मौत हो गई। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जानकारी के मुताबिक जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है उसी व्यक्ति का ये 57 वर्षीय व्यक्ति रिश्तेदार था और जो उसी सील की गई विघ्नहर्ता इमारत के पीछे ही एक इमारत में ये रहता था। हालांकि मृतक की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर इस 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। बहरहाल टीएमसी के डॉक्टर की एक टीम भी यहां पहुंच गई थी और लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और टीएमसी के कमिश्नर विजय सिंघल ने क्या बताया है इस पूरे मामले में, सुनिए। सर, जो ये डेथ हुई है जिसकी, क्या इसको पॉजिटिव पाया गया है? नहीं, ये पॉजिटिव ही है। नहीं, ये वाला डेथ वाला भी अपने पास रिपोर्ट नहीं है, वो बॉम्बे गया हुआ है, वो चीज़ है तो उसका नहीं है। जो विघ्नहर कौन सी बिल्डिंग है, विघ्नहर्ता बिल्डिंग है, वहाँ पर पॉजिटिव है। पेशेंट इज एडमिटेड इन टू द सिविल हॉस्पिटल, तो इस बिल्डिंग को पूरा लॉक किया हुआ है, पूरा लॉकडाउन किया, क्वारंटाइन में रखी है पूरी बिल्डिंग, और इसके आसपास की दूसरी बिल्डिंग पे भी सेफ्टी करके उसको भी पूरा लॉकडाउन। जो जिसकी डेथ हुई है, क्या उसके चाली को या इमारत को भी सील किया जाएगा, दवा का छिड़काव? आदेश दे दिए, उसको भी सील कर लो, बेटर है। जो जबकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है, वो डेथ अभी कोविड की वजह से है कि या टीबी की वजह से, स्टिल नॉट क्लियर। एक बार रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। सर, आह्वान क्या है जनता को? आह्वान जनता को आह्वान यही है, ऐसी घड़ी में मेरी आप सब लोगों से विनती है, मुंब्रा के लोगों और कड़वा के लोगों से खासकर विनती है, कृपया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अभी बाहर निकलने का समय नहीं है। जेव्हा माननीय पंतप्रधानांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हा असा निर्णय घेतला की पूर्ण देश लॉकडाऊन करायचे, याचे मागे काहीतरी खूप मोठा चांगला उद्देशच आहे। अशीच परिस्थितीमध्ये आपणच बाहेर निघालो आणि आपण सोशल डिस्टन्सचं पालन केलं नाही तर तुम्हाला तुमच्या परिवारालाही प्रॉब्लेम होईल आणि त्याच्यासोबत राज्याला आणि देशालाही प्रॉब्लेमच आहे। कृपा करून एक 10 दिवस अजून आपण सोशल डिस्टन्सचंही पालन करा आणि लॉकडाऊनमध्ये घरी राहा। तुम्ही घरी राहिले, तुम्ही आणि तुमचा परिवार सेफ आहे, तुम्ही आणि तुमचा परिवार सेफ असला तरी या जिल्हा आणि राज्य आणि देश सुद्धा सेफ राहणार। सर, इमारतों को जो है क्या मनपाने सील किया है? क्या ऐसा है कि ये दो इमारतों को आज सुबह मनपा के अधिकारी आए थे, बिल्डिंग वालों से हम लोग ने साथ में बात की और दोनों इमारतों को के जो गेट पर बाहर ताला लगा दिया है स्ट्रिक्टली सील कर दिया गया कि यहाँ पर आना जाना मना है। और उस इमारत के जो रहने वाले उनसे हमारी बात हो गई है, उनको नंबर यहाँ पे एक दुकान के नंबर दे दिए और मैंने मेरा भी नंबर दिया कि कुछ भी ज़रूरी सामान लगेगा तो आपके घर पे लाके देंगे। साथ ही में हमने 500 मीटर के दायरे को भी सख्ती कर दिए कि कोई बाहर से आए जाए नहीं, लेकिन ये दोनों इमारत को स्ट्रिक्टली सील कर दिया गया है कि यहाँ कोई आए जाए नहीं। बाहर ताला मार के चाबी डिपार्टमेंट के एक पास मेरे पास है और जिम्मेदारों को नंबर भी दे दिए गए, आपको कोई चीज़ लगेगी तो आपको आपके घर पर मिल जाएगी। साथ ही में अभी उनके परिवार के जो लोग हैं उनका ब्लड टेस्ट ले लिया है, जो उनके क्लोज फ्रेंड थे उनका भी ब्लड टेस्ट ले लिया गया है। अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या आगे होता है, अगर कुछ मामले में प्रॉब्लम आई तो फिर उसके बाद पूरी बिल्डिंग का टेस्ट करना चाहिए और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका किस किस से मिला है, उसके ऊपर आगे देखेंगे।
इस पूरे परिसर में दवा का छिड़काव किया गया है और जो दोनों इमारतें सील की गई हैं, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वही इमारत में रहने वालों को जो जरूरतों के सामान है वो नगर सेवक सानू पठान पहुंचाएंगे। बहरहाल अब कोरोना ने मुमरा में भी दस्तक दे दिया है, सतर्कता ही आपकी बचाव है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार 9। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।